तो ये आपका भाई है, कैमरे में हाइकर हैं, ये ट्यूबवेल है और इसका पानी बहुत ही ठंडा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक रैंडम सा व्लॉग है, मैं सुबह सुबह उठा हूँ अभी और 6 बज रहे हैं अभी। मेरा इरादा है कि मैं इलियासी मस्जिद तक जाऊँ, हमारे घर से ये काफ़ी सारा रास्ता है और ये एक ट्रैक्स है, कच्चा ट्रैक है, ये जॉगिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, सो लेट्स सी क्या बनता है, मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं। अगर इलियासी पे हम पहुँचते हैं तो फिर इलियासी की टॉप तक जाएंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने फोकस किया था अभी, वहाँ पे इलियासी मस्जिद आती है तकरीबन, काफ़ी सारा रास्ता है। सो हेयर इज़ अ प्रो टिप फॉर यू गाइस, अगर आप मोबाइल से मैक्रो शॉट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि ये देखें, अब काफ़ी छोटे पोल हैं, मैं इनको कैप्चर करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा फ़ोन इनको कैप्चर नहीं कर रहा, लेट मी टेल यू। अच्छा जी, आपने ये करना है कि अपना हाथ इस ऑब्जेक्ट के करीब लाना है, देन अपने हाथ को फोकस करना है और फिर फोकस को लॉक कर देना है और बेहतरीन मैक्रो शॉट्स आप ऐसे ले सकते हैं। तो यार, प्रो टिप के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बाय द वे, ये एक दो दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं गया इलियासी मस्जिद, वहाँ जाके मैंने शूट किया। रास्ते में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि रास्ते में गंद वगैरह था, गलियाँ थी, आपको हमने गंद नहीं दिखाना, पॉजिटिव इमेज शो करनी है भाई, पॉजिटिव इमेज। तो इलियासी पे मिलते हैं जाके। ओके जी, तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ इलियासी मस्जिद पे। बेसिकली इलियासी मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जो अपने पानी के वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और 24 घंटे यहाँ पे पानी चलता रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इन दिनों में यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद होता है, इतना ज़्यादा कचरा, इवन कि मस्जिद के अंदर भी कचरा होता है, टूरिस्ट आते हैं। और तो यार, व्लॉग करते हुए असनैन भाई कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो आज से हमने सोचा कि हम ऑफिशियली उनकी करेक्शन कर देते हैं एडिटिंग के दौरान। तो मैं बताता चलूँ आपको कि वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा नहीं जाते, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं वेले लोकल्स। अब लोकल्स में दो किस्म के लोग होते हैं, एक हमारी तरह के और एक दूसरी तरह के। हमारी तरह के वो लोग हैं जो अपना गंद ले कर जाते हैं और दोबारा वापस ले आते हैं अपने साथ और आके डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि दूसरे लोग वो होते हैं जो, समझ गए होंगे आप, तो अवॉइड क्या करें इस चीज़ को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद होता है, इतना ज़्यादा कचरा, इवन कि मस्जिद के अंदर भी कचरा होता है। टूरिस्ट आते हैं और इंजॉय कर जाते हैं लेकिन कचरा जो है ना, अपनी निशानी छोड़ के चले जाते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें और बाकी मैं आपको सीन्स वगैरह दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये इलियासी मस्जिद का वो एरिया जहाँ पे पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ये सुबह सुबह के टाइम अभी बंद है। तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये इलियासी मस्जिद का साइड व्यू है, इस साइड पे आपको पकौड़ों की दुकानें मिलती हैं। राइट साइड पे आ जाएं तो आपको पार्किंग मिलेगी, उसके साथ ही सीढ़ियाँ हैं जो कि पीछे जो पहाड़ी है, मेन अट्रैक्शन है, वहाँ आपको लेके जाती हैं सीढ़ियाँ। सो दिस इज़ द बैक साइड व्यू ऑफ इलियासी मस्जिद। तो ये है इलियासी मस्जिद ट्रैक जो कि आपको इलियासी की पहाड़ी तक लेके जाता है। ये ट्रैक अभी तैयार हो रहा है ऊपर से, होप कि ये बेटर हो जाए।
नीचे ये जो पैक बना हुआ है ये भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, काफ़ी अरसा हो गया इसे, तो उम्मीद करते हैं कि इसे बेहतर कर देंगे जल्दी। सुबह के टाइम यहाँ पे आना अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं होते, और ऑब्वियसली सुबह के टाइम जो है नेचर को ऑब्ज़र्व करना ये अलग ही लेवल की बात है। तो एबटाबाद का जो इलियासी मस्जिद टॉप है ये रहा, वो सामने सूरज निकल रहा है अभी। इस जगह की ब्यूटी को आप ऑब्ज़र्व करें, और इस चोटी पे सिर्फ एक ही दरख्त है ये वाला, और ये इकलौता दरख्त है, कितनी खुशी से रहता होगा ये अकेला, इसे कोई तंग नहीं करता होगा। इस साइड पे आए तो टाउनशिप, नवाशहर एंड देन सोन सोन एंड सोन, ये सारा एबटाबाद है, बर्ड है व्यू ऑफ एबटाबाद, और ये बहुत खूबसूरत मंजर है, सरबन की पहाड़ियाँ एक बेहतरीन मंजर पेश करते हुए, और ये सामने काकुल अकेडमी है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकेडमी है, इसको भी एबटाबाद में होने का एजाज़ है। तो ये सब मुझे रास्ते में लाचार पड़े मिले थे, और किसी ने मुझे बताया था कि इन पे जो टेक्सचर्स हैं वो विंड इरोजन की वजह से बने, यानी कि हवा और आंधियों के दबाव की वजह से। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आगे एक छोटा सा मैसेज है वो भी देख लें। अच्छा जी, ये सीन जो आपने देखा है ये इलियासी मस्जिद की पहाड़ी को बहुत बड़े पैमाने पे काटा जा रहा है, कटिंग जा रही है, ब्लास्टिंग जा रही है। देखिए मेरी बात सुने, एबटाबाद में क्या है, कुछ भी नहीं है एबटाबाद में। एबटाबाद का जो नाम है वो हमारे गलियात की वजह से है, सॉरी दैट वॉज जस्ट अ जोक। लेकिन एबटाबाद की जो ब्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ब्यूटी और ये पहाड़ी जो सिलसिला है सरबन, इसी की वजह से है। और जिस हिसाब से कटिंग जा रही है, ना सिर्फ इलियासी की पहाड़ी पे जा रही है बल्कि मैंने देखा है कि ठनयानी के रास्ते में जाएँ वहाँ पे भी है, और काला पुल पे भी, काला पुल के पीछे जो आई थिंक पता नहीं जगह नाम मुझे नहीं याद, वहाँ पर भी ब्लास्टिंग जा रही है। तो इस तरह जगह जगह पर बहुत बड़े पैमानों पर जो है ब्लास्टिंग जा रही है, तो जिस हिसाब से ये जा रही है तो फिर एबटाबाद में तो कुछ नहीं रहना, इस पे कुछ किया जाए। अब कौन करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक मेरा छोटा सा पैगाम है।